राम राम दोस्तों, क्या हाल है सभी के। बनासी गास के बनासी जेल में हार्दिक स्वागत है। इस टाइम हम खड़े हैं 80 घाट पे, और जैसा कि आज है मकर संक्रांति और 14-15 जनवरी के बीच में लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए 15 जनवरी को यहाँ पे मनाया जा रहा है। 15 जनवरी को मुझे लगता है हर जगह मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पे नहान होती है, घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन हम लोग आए थोड़ा लेट में, भी 10:30 बज रहे होंगे तो अभी भी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुबह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसको देखते हुए लोग शायद लेट में निकले हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और इतना भीड़ भी यहाँ तक उतनी भीड़ जा रही है रोड पर। तो मकर संक्रांति, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि भैया मकर संक्रांति से सूर्य भगवान की दिशा बदल जाती है, वो धनु राशि से उठ के मकर राशि में जाते हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। अपने पुत्र से भी मिलने जाते हैं शनिदेव से, और विष्णु जी का भी कुछ कहानी है कि जैसे उन्होंने असुरों का वध किया था, इस तरह बहुत सारी कहानी है हिंदू धर्म के अनुसार, बहुत सारी मान्यताएँ हैं और उसी को देखते हुए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, कहीं पोंगल बोला जाता है तो कहीं आपका खिचड़ी बोला जाता है, कहीं मकर संक्रांति और कहीं संक्रांत ऐसे करके कुछ बोला जाता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो आप कमेंट करके बताइए आपके शहर में कौन सा नाम से इसको बोला जाता है, और वीडियो देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ का बनारस का नज़ारा कि कितनी पब्लिक आई है और बनारस में किस तरह से मकर संक्रांति सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के एंड में। मतलब ठंड तो है आज, लेकिन कोहरा नहीं है, और ये भी सुबह देख रहे हैं, सुबह का लगभग 11 बज रहा है, 11 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ है, और सोचिए सुबह अगर आए होते हैं नहाने वाले तो भैया ठंड कितनी हो, सुबह नहा के निकल जाते हैं। अभी रास्ते में देखे लोग, अभी तो लोग उस पास जाएंगे पतंग उड़ाने, मज़े का पतंग लेके निकले हैं। जैसा कि कहा जाता है मकर संक्रांति पे दान वान भी किया जाता है, मकर संक्रांति पे लोग घी चावल ये सब चीज़ का, तिल ये सब चीज़ का दान करते हैं, और यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, जो आप चावल देते हैं उसी चावल से देखिए खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि चावल बहुत लोग सोचते हैं कि यार चावल देना सही रहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहीं खाना पकाएंगे, यहीं खाएंगे, और ये पूरा वाइब है 80 का, मकर संक्रांति का नहान है। Yeah.
अब चले एक बार हुआ करके फोटो ये देखिए उस पार जाने के लिए पूरी भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग उस पार भी जाके नहाते हैं। उस पार थोड़ा क्या है कि थोड़ा भीड़ भाड़ कम मिलता है, आराम से नहा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बोट जा रही है, बोट आपको 50 रुपये लेगी, उस पार छोड़ देगी, फिर आराम से दूसरी बोट रहेगी, आप लेकर 50 रुपये इधर उस पार आ जाइए, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड कर, आधा घंटा बोट वैसे रुकती है, लेकिन आपको अगर 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करना है तो 50 रुपये दीजिए, उधर निकल जाइए, फिर इधर से इधर आ जाइए आराम से। अरे आराम से आराम से, अरे राम रे, ये मकर संक्रांति का लड़ाई है भैया, बाप रे। तेरे अभी देखिए थोड़ा सा अभी हल्का सा धूप निकला हुआ है और थोड़ा सा गलन कम हुआ है यहाँ पे, तो गलन बहुत ज़्यादा था और भीड़ अभी है बहुत ज़्यादा, सुबह तो और भयानक भीड़ था। ठीक है, तो ये था आपका मकर संक्रांति का वाइब दिखाना था, मकर संक्रांति अपडेट था यहाँ पे बनारस में। 15 जनवरी को मनाया जा रहा है, हालांकि हर जगह 15 जनवरी को ही मनाया गया है, और सुबह से इतना भयानक ठंडा था, इतना भयानक मौसम था, मतलब कोहरा नहीं था, कल 14 तारीख को कोहरा बहुत ज़्यादा था, आज लेकिन कोहरा नहीं था, लेकिन गलन इतनी ज़्यादा थी ना, और मैं लेट करके आने में, लेकिन मुझे लगा मैं लेट कर गया, लेकिन जब मैं आया देख रहा हूँ यहाँ भीड़ लगी हुई है, और पूछा अगल बगल यहाँ लोगों से, लोगों ने कहा कि भैया सुबह तो इससे ज़्यादा भीड़ लगी थी, मतलब ठंडा इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा भीड़। तो भैया आस्था है और क्या, और लोग आते हैं नहाने से, हम लोग यहीं रह के नहीं नहा पाते, लोग दूर दूर से आते हैं नहाने यहाँ पे, और जैसा कि मान्यता है आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि भैया धनु राशि से निकल के सूर्यभंग की स्थिति बदलती है, धनु राशि से निकल के मकर राशि में जाते हैं, और विष्णु जी शायद असुरों का अंत किए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारी मान्यताएं हैं, उसको हम लोग मनाते हैं, और इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है, कहीं पोंगल बोला जाता है, कहीं खिचड़ी बोला जाता है, कहीं स्तनरिणी बोला जाता है, तो ऐसे ऐसे यहाँ कहीं मकर संक्रांति बोला जाता है, अलग अलग नाम से अलग अलग त्यौहार एक ही है लेकिन नाम बस अलग है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ किस नाम से इसको बोला जाता है, मेरे यहाँ तो भैया खिचड़ी भी बोलते हैं मकर संक्रांति भी बोलते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम, हर हर महादेव, सीताराम।